आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए यौन शोषण के मामले में खाप पंचायत खुलकर पहलवानों के समर्थन में आ चुकी है। पश्चिमी यूपी में इस मुद्दे पर खाप पंचायत एकजुट होकर एक बड़ा फैसला आज करेगी, जिससे सियासी पारा भी गर्मा सकता है। तो आपको बताते चले कि आज रेसलर्स के समर्थन में खाप पंचायतों की बड़ी बैठक होनी है, जिस पर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वह ये भी कहा जा रहा है कि इस पंचायत में आगे की रणनीति को भी तैयार किया जाएगा, आगे क्या कुछ और प्रदर्शन देखने को मिलेगा इसकी भी रणनीति एक तैयार की जाएगी, खाका तैयार किया जाएगा। और खाप पंचायतों की जो बैठक है वो लगातार जारी है, तो अब पदकवीरों को कहीं ना कहीं खाप पंचायत का समर्थन पूरी तरीके से मिल गया है। तो वही ममता बनर्जी भी बीते दिनों एक पैदल मार्च करती हुई नजर आई थी, जिस दौरान सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर एक पोस्टर भी लगाए गए थे और उन्होंने कहा था कि जो सचिन तेंदुलकर है वो रेसलर्स के मुद्दे पर आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए है। तो वही आज खिलाड़ियों के साथ खाप पंचायत जुड़ चुके हैं। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, आज खाप पंचायतों की जो बैठक है वो लगातार जारी है, आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है, आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार की जा रही है राजन? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हरिद्वार पहलवान पहुंचे थे अपने मेडलों का विसर्जन करने, उसको लेकर नरेश टिकैत यानी कि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने मेडल ले लिए और 5 दिन का समय दिया था पहलवानों को और उन्हें मना कर वापस ले गए थे। तो वहीं आज मुजफ्फरनगर में जो पंचायत है वो खाप पंचायत जुड़ी है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब और राजस्थान, इन तमाम राज्यों से जो वहां पर खाप पंचायत जुड़ी है वहां से काफी भारी संख्या में लोग आए हैं और पंचायत कुछ ही देर में शुरू होने वाली है या फिर हो गई होगी। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं, इस पंचायत में जो अहम मुद्दे रहने वाले हैं वो पहलवानों की मांगों को लेकर रहने वाले हैं, जो पहलवानों की समस्याएं हैं उनको लेकर है कि आखिर केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरना है, क्योंकि 4 महीने से ज्यादा का समय जंतर मंतर पर हो गया है पहलवानों को और पहलवान वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन अब फिलहाल जो इनकी जंतर मंतर पर धरना था वो किसी कारण से रोक दिया गया है, वो उसकी आगे की दिशा और दशा ये आज महापंचायत में तय होगी कि आखिर केंद्र सरकार से पहलवानों की जो मांगे हैं वो किस तरीके से मंगवाए जाए, क्योंकि ब्रजभूषण पर जो यौन शोषण का आरोप लगा है वो कोई छोटा आरोप नहीं, बड़ा आरोप है। और इसको लेकर उनकी यही मांगे हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जांच तो गिरफ्तारी के बाद में भी हो सकती है, तो जांच अभी क्यों चल रही है, उन्हें रिहा क्यों किया गया है। तो वहीं बीजेपी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है और केंद्र सरकार को घेरने की जो पूरी ठीक है राजन, जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि गिरफ्तारी को लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, इसको लेकर 15 दिन तक कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो भी कोर्ट के सामने पेश कर दी जाएगी और ऐसे में आज एक खाप पंचायत है, तो क्या जो बीते दिनों पुलिस द्वारा एक बयान दिया गया था क्या उसको ध्यान में रखते हुए आज रणनीति पर चर्चा की जाएगी? देखिए, आरोप लगाए हैं लेकिन आरोप के साथ में पहलवान साक्ष्य नहीं जुटा पाए, सबूत पेश नहीं कर पाए, तो उसकी तरफ से पुलिस ने भी अपना वर्जन दे दिया, क्योंकि जब साक्ष्य नहीं होंगे तो ऐसे में कैसे गिरफ्तारी हो पाएगी और आगे की कार्रवाई कैसे हो पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की बहुत गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि मामला इस समय फूल पकड़ चुका है और पूरे देश में ये मामला फैला हुआ है और पहलवानों के समर्थन में कई लोग भी उतरे हैं, आमजन भी उतर रहे हैं, तो विपक्षी दल भी उनके साथ में है। तो वहीं जब जब पहलवानों के समर्थन में उतरने की बात आती है विपक्षियों की, तो उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। वहीं सबूत ना होना पहलवानों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अब ऐसे में देखना यह है कि पहलवान ऐसे में क्या साक्ष्य जुटा पाएंगे, क्या सबूत पुलिस के सामने पेश कर पाएंगे। ठीक है, तो राजन अभी आप लगातार हमारे साथ बने हुए थे, हम उनसे फिर से दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि आज खाप के साथ पदकवीरों को ममता बनर्जी का भी साथ मिल चुका है पहलवानों की लड़ाई में, अब खाप पंचायत खुलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, जब सारे पहलवान गंगा में अपना मेडल प्रवाह करने जा रहे थे तो उस दौरान भी नरेश टिकैत ने आकर के जो पदकवीर है उनसे मेडल ले लिया था। तो एक बार फिर से राजन हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राजन, आज जिस तरीके से खाप पंचायत की जो बैठक है वो लगातार जारी है, ऐसे में जो पहलवान है क्या वो शिरकत कर चुके हैं और कौन कौन से पहलवानों के पहुंचने की वहां पर उम्मीद है? साक्षी मलिक की बात करूं, तमाम जितने भी बड़े चेहरे हैं वो कुछ ही देर में ऑन स्क्रीन दिखने वाले हैं, क्योंकि खाप पंचायत जिस गांव में हो रही है वहां मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है, तो पंचायत में इन तमाम मुद्दों को लेकर बात होगी कि आखिर जो ये पहलवानों की समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं और जो आरोप लगे
उस मांगों को सरकार क्यों नहीं मान रही है, क्या अड़चने आ रही है। तो भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और इन आगे की दिशा और दशा दोनों मिलकर तय करने वाले हैं, क्योंकि आगे की रणनीति जो बनाई जाएगी इस महापंचायत के बाद में आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद में ही हम कुछ बता पाएंगे। जी ठीक है राजन, 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था और मेरे मुताबिक आज अल्टीमेटम का दूसरा दिन है, तो क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो पहलवान है वो अब उग्र होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक तरफ राजनीतिक दलों का समर्थन तो मिल ही रहा है लेकिन किसानों के साथ एक खाप पंचायत का भी समर्थन मिल रहा है। देखिए बिल्कुल बीजेपी की तरफ से अभी इस मामले में कोई वर्जन सामने नहीं आया है, लेकिन किस कारण से बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है ये भी एक सवाल करने वाली बात है। लेकिन वहीं मैं अगर पहलवानों की बात करूं तो पहलवानों के समर्थन में विपक्षी दल सभी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि जब जब उनके समर्थन में उतरने की बात होती है तो घरों में विपक्षी दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद कर दिया जाता है, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और जब शाम का समय हो जाता है तो उन्हें कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है। तो फिलहाल अब भारतीय किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है और वो बैनर तले उनके साथ में बिल्कुल हैं, हर तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। केंद्र सरकार को घेरने की जो तैयारी है इस महापंचायत में तय की जाएगी, आगे की दशा और दिशा क्या, आखिर किस तरीके से पहलवानों की मांगे हैं, समस्याएं हैं, जो यौन शोषण का ब्रजभूषण पर आरोप लग रहा है उसे किस तरीके से सरकार के कानों तक जो नहीं रेंग रही है उसको किस तरीके से करना है। वहीं पुलिस का भी ये साफ कहना है कि कोई साक्ष्य अभी तक हमारे सामने नहीं आया, पहलवान अगर साक्ष्य जुटा पाते हैं और उस साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं तो जरूर आगे की कार्रवाई पुलिस मजबूती तरीके से कर पाएगी। ठीक है राजन, सोरम का एक लंबा इतिहास भी रहा है और तमाम इतिहास से जुड़ा ये गांव रहा है सोरम, जहां पर आज ये पंचायत का आयोजन हो रहा है, तो इस वक्त जो मुजफ्फरपुर है वहां की जो तस्वीरें हैं वो आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन तैयार है और वहां के लोगों का इस पूरे मामले पर रुख क्या रहा है अभी तक? देखिए मुजफ्फरनगर में जहां पंचायत है उस बॉर्डर को चारों तरफ से पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है, बैरिकेड लगा के पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और यहां तक कि जो भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इस पंचायत में माना जा रहा है कि भारी संख्या में तादाद में लोग पहुंचेंगे और पहलवानों से बातचीत करने के बाद में इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। अब सरकार से किस तरीके से मांगे मनवानी है ये पंचायत कुछ ही देर में जब हो जाएगी तो उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा, तो वो बात सार्वजनिक तौर पर मीडिया के माध्यम से हम भी अपने दर्शकों को बताएंगे। प्राइम टीवी प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, समझा रहा है लोगों को कि आखिर पहलवान किस लिए धरने पर बैठे हैं, कितना समय उन्हें हो गया है, क्योंकि लगातार प्राइम टीवी उन पीड़ितों की आवाज उठाता है, उन लोगों की आवाज उठाता है जो सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। वो प्राइम टीवी एक ऐसा विशेष चैनल है जो लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचा रहा है। तो वही पंचायत को लेकर बात करूं तो चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लगातार चेकिंग हो रही है, आने जाने वालों लोगों से पूछताछ हो रही है, भारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि अगर पहलवान इस चीज में सही है तो ब्रजभूषण पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस एकदम लीगल एक्शन ले, क्योंकि अभी तक जो ढीला रवैया पुलिस की तरफ से बरता जा रहा है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस पहलवानों के समर्थन में काफी लोग उतर रहे हैं, लोग अपनी वीडियो भी बनाकर जारी कर रहे हैं कि हम पहलवानों के समर्थन में हैं, क्योंकि देश का जो भविष्य है, लोगों ने इतनी मेहनत की है पहलवानों ने और इतने मेडल जीते हैं, आज वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर हैं। तो ये केंद्र सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बहुत जल्दी इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल राजन, केंद्र सरकार को जाहिर सी बात है ध्यान देना चाहिए, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर सबूत थे वो ये पहलवान पेश नहीं कर पाए, लेकिन राजन इस बात को हम कैसे नकार दें कि ये पदकवीर वही है जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है, जिन्होंने देश का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा किया है, जिन्होंने विदेशों में जाकर जो भारत का झंडा है उसे लहराया है, यानी कि हर एक भारतवासी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा करने का भी काम इन पदकवीरों ने किया है। तो क्या वाकई में पदकवीरों को न्याय मिलने के लिए या न्याय देने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? अब देखिए सबसे पहली बात तो ये, जब जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे थे, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस दौरान केंद्र सरकार का कोई भी बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा, उन्हें पहुंचना चाहिए था, समस्या को सुनना चाहिए था और सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी, इस मामले का हल निकालना चाहिए था, क्योंकि एक पदकवीर अगर धरने पर बैठेगा, इस तरीके से अनशन पे बैठेगा, अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए मजबूर होगा, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन अभी तक जहां तक का मेरा मानना है कि अभी तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता उन लोगों से ना तो मिलने गया और ना ही इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देने पर कोई सामने आ पाया है। तो वहीं जब ऐसे पदकवीर धरने पर बैठेंगे तो देश के भविष्य क्या करेंगे, जो युवा खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं एक बड़ा खिलाड़ी बनने की, जिनकी सोच है, जो इन लोगों को देखकर इन लोगों का मार्गदर्शन बनकर आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें अपना गुरु धारण करते हैं, तो वो लोग क्या सोचेंगे जो इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी डाउन होगा। तो इस चीज के लिए केंद्र सरकार को बहुत जल्दी
ठोस कदम उठाना चाहिए और सोचना चाहिए। बाकी रही बात आज पंचायत की, तो महापंचायत होने के बाद में जो भी निर्णय आएगा वो भी सार्वजनिक होगा, और उस पर देखना यह है कि आखिर सरकार और भारतीय किसान यूनियन और पहलवान और विपक्षी दल इसको मिलकर क्या कुछ करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है राजन, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज जो खाप पंचायत है वो लगातार जारी है, और किस तरीके से आगे पहलवानों का प्रदर्शन होगा इस पर एक रणनीति तैयार की जा रही है। तो वही अब पहलवानों को ममता बनर्जी का भी खुला समर्थन मिल चुका है। 2024 चुनाव की सियासत बिसाते बिछनी शुरू हो गई है, जिसके लिए विपक्षी एकता कितनी काम करेगी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर अब काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल 2024 को ध्यान में रखते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की योजनाओं को बताने के साथ ही कहा कि मोहनलालगंज, उन्नाव और बाराबंकी के 2 दिवसीय दौरे पर मनोज रहेंगे। साथ ही वो जनता से उनके मन की बात को भी जानने का काम करेंगे, और जो सरकार की इन 9 सालों की योजनाएं हैं, जो इन 9 सालों के विकास के कार्य हैं, वो भी जनता को पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो 2024 का प्लान तैयार हो चुका है, और अब भाजपा के तमाम दिग्गज नेता जमीनी स्तर पर उतरकर जुटते हुए नजर आए हैं। तो वही आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था, जहां सांसद मनोज तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि वो 2 दिवसीय दौरे पर मोहनलालगंज और उन्नाव में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो जनता से मुखातिब होंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और साथ ही जो जनता के लिए योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी है। सुहानी, भाजपा का 2024 का प्लान तैयार हो चुका है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, तो आज वही लखनऊ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली जिसमें जो मनोज तिवारी है वो मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुहानी पहले बड़ी बातें बताइए। आपको बता दें कि 1 जून से लेकर 20 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में जो कॉन्फ्रेंस होगी, बैठक होगी, और आज जो है मनोज तिवारी है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो तमाम इस पे जो रणनीति बताए, वही उनका कहना है कि जो मोदी सरकार जो 9 साल में जो उपलब्धियां जो दी है भारत को, जो बड़े अस्तर से भारत को लेकर गई है, वो कहीं ना कहीं हमें जो जनता तक पहुंचाने में असफल रहा है, और उन्हीं चीजों को ले जाकर हम जनता से संपर्क करेंगे, अभियान करेंगे और उसे बताएंगे। तो ऐसी तमाम जो है रैलियां शुरू होने जा रही है, जो कि जिला स्तर से, केंद्र स्तर से, बूथ स्तर से, और ये जो जनसंपर्क है वो शुरू होगा। मैं बता दी आपको मुस्कान की पूरे 1 महीने में आप समझ सकती हैं कि इसमें 51 रैलियां होने जा रही है, तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकती हैं 51 रैलियां किस तरह से इसकी रणनीति तैयार किया जाएगा और क्या क्या इसमें अभियान है वो चलाया जाएगा। बिल्कुल सुहानी, अभी आपने जिक्र किया कि 51 रैलियां कुल की जाएंगी, ये रैलियां किस तरीके से की जाएंगी और प्रदेश के किन किन जिलों में इन रैलियों का आयोजन होगा? जी आपको मुस्कान बता दें कि जो त्रिस्तरीय पे जिन रैलियों का जो रूपरेखा तैयार किया गया है उसमें विशेष होगा पीएम मोदी का जो रैली होगा, विशेष संपर्क अभियान होगा, प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मेलन होगा, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग होगा, व्यापारी सम्मेलन होगा, विकास की कार्यक्रम योजना होगा, विधान स्तर से होगा। वही आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के इसमें बता दें 396 जो है लोकसभा क्षेत्रों का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो रणनीति तैयार किया गया है, हर क्षेत्र में जो है बीजेपी सरकार विकास चाहती है और इसलिए जनसंपर्क हर क्षेत्र में करना चाहती है। वही एक विशेष अभियान रखी है जिसमें जितने भी दिग्गज जो नेता होंगे, अभिनेता होंगे, क्रिकेट खिलाड़ी होंगे, जो शहीद के जो घर वाले होंगे, उस विशेष अभियान में उनको शामिल किया जाएगा और उनसे जनसंपर्क अभियान जाएगा। तो इस प्रकार मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं उससे लेकर वरिष्ठ नेता से लेकर पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक की सभी जो 51 रैलियां हो गई अलग 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 राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, और अलग अलग विकास के मुद्दे पे, और जो भी 9 साल जो 9 साल में मोदी सरकार ने उपलब्धियां की हैं वो जनता के पास सीधे संपर्क कराने के लिए। तो यहाँ से जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बात करें उनके जो चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कि सभी ने जो बता दें आपको कि 16 मई को ही इस कार्य समिति बैठक हुई, अभियान हुआ, रणनीति हुआ और तमाम जो बैठकें हैं वो की आ रही है।
बिल्कुल सुहानी, बैठकों का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन हमने देखा था कि बीते जो भी चुनाव हुए उसमें युवाओं ने बहुत महत्वपूर्ण कहा जाए रोल प्ले किया था, और वहीं युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की भी मदद लेगी और वीडियोज उनसे बनवाएगी। क्या लगता है बीजेपी का ये फॉर्मूला युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कितना कारगर साबित होगा सुहानी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि हमने खुद जो उत्तर प्रदेश के तमाम लखनऊ के जो युवा हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश किया, उनसे बात करने की कोशिश किया कि 9 साल में आखिर बीजेपी आपको कितना आपको लाभ दी है, कितना आपको योजनाएं दी है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी जब से आई है कुछ हद तक युवाओं के बैक में जो उनके पास उनको नौकरी में नहीं मिला है, लेकिन हाँ कुछ स्तर से जो है युवाओं के लिए काम किए हैं, वही काम अधूरा रह गया है, वो काम आगे वाले आने वाले सरकार में उनको पूरा करेंगे, क्योंकि जितना हद तक हुआ बीजेपी सरकार से 9 साल में उतना हद तक बढ़ाने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश की, तो तमाम जो युवा है जो पुरुष है जो महिलाएं हैं उसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका भी साथ तो यही करना है कि बीजेपी सरकार आने से काफी हद तक भारत में बदलाव हुआ है, चाहे वो आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था से हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे खिलाड़ियों के क्षेत्र में, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है 30-40% तक जो काम अधूरे बचे हैं, इसे लेकर बीजेपी जो एक मेगा प्लान जो प्लान है वो तैयारी कर रही है, और जो 24 लोकसभा चुनाव जो होने वाला है बिल्कुल सुहानी, बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है, और अभी आपने जिक्र किया कि लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रही है, उनसे संपर्क स्थापित कर रही है, और यूपी की जनता का मूड क्या है ये भी जानने का प्रयास कर रही है। लेकिन सुहानी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अब एकता की बात कर रही है, क्या लगता है विपक्षी पार्टियों की एकता बीजेपी का किला ढहाने में कामयाब हो सकती है? जमीनी स्तर क्या कहता है सुहानी? मुस्कान, आपको बता दें कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से एकजुट हो गया है, चाहे सपा हो, चाहे ममता बनर्जी का जो टीम हो, चाहे आपको बता दें कांग्रेस पूरी तरह से अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है फिर से अपनी उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को पाने के लिए, या पूरे भारत में अपनी पूरी तरह से वो भी अपनी एकजुट होकर विपक्षों का एकजुट कर रही है। वही आप रैलियां करिए, तमाम जब आप देख सकती है कि राहुल या जो गांधी है तमाम जो आम आदमी से मिल जा रहे हैं, कहीं वो बसों में ट्रक में यात्रा कर रहे हैं, वो तमाम जो अक्सर से जो किसी छोटे तबके के लोग उनसे जाकर मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में जाके जो युवा है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो वो भी पूरी तरह से जद्दोजहद में लगे हुए हैं अपनी अपनी फिर से सत्ता को वापस लाने में। लेकिन तमाम पार्टियां है भी पूरी तरह से वाल पलटवार कर रही है, बीजेपी पर कहना है कि 9 साल पूरा हुआ है बीजेपी सरकार से, 9 ही उपलब्धियां गिना दे, अगर 9 साल पूरा है तो कुछ ऐसी उपलब्धियां बताए, उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है, तो ऐसे तमाम हमला बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2018 में भी ऐसे ही जो विपक्ष है वो एकजुट हुए थे और बीजेपी सरकार को हराने के लिए पूरी तरह से रणनीति तैयार कर लिए थे। बिल्कुल सुहानी, रणनीति तैयार की जा चुकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचना बेहद जरूरी है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को संबोधित कर रही है, जनता को अपनी सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में बता रही है, तो विपक्षी पार्टियों के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो जमीनी स्तर पर और जनता के बीच पहुंचे और अपनी जो भी अपने कार्यकाल में योजनाएं हैं, जो भी अपने कार्यकाल के विकास कार्य है उसको भी गिनाए। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, एक बार फिर से राजस्थान में यही शोर सुनने को मिला है। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को रिझाने के लिए जो ऐलान किया है उसकी गूंज अब यूपी में भी सुनाई दे रही है। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव के नजदीक है और अब वहां की कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रुपए में रसोई गैस और 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा स्पष्ट तरीके से यह बताती है कि यह चुनावी छलावा है। अगर यह चुनावी छलावा नहीं है तब और क्या है, जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको यह कार्य सरकार बनने के प्रारंभ में 5 साल पहले कर देना चाहिए था। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि राजस्थान की तरह ही जनहित और जन कल्याण कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, मध्य प्रदेश की भाजपा और तेलंगाना की बीआरएस सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक अपनी सरकार को बचाने के लिए अनेकों प्रलोभन और भ्रामक विज्ञापनों के छलावे का सहारा ले रही है, जबकि जनता इनसे उब चुकी है। तो
चुनावी छलावा या फ्री का बस है दिखावा। जी हां, मायावती ने जिस तरीके से मुफ्त योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है राजस्थान, उस पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले जनता को ये प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन जनता उब चुकी है इस खबर पर। हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, राजस्थान में जब फ्री बिजली का ऐलान होता है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, तो उस पर आवाज यूपी से उठती है और बसपा सुप्रीमो कहती है कि ये छलावा है। बसपा सुप्रीमो के इस ट्वीट को विवेक आप किस तरीके से देखते हैं? लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी एक्शन मोड में आ गई है और जिस तरीके से निकाय चुनाव के बाद उन्होंने अपने पार्टियों की ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक की है, बड़े पदाधिकारियों से लगातार बातचीत की है, किस प्रकार से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को उत्तर प्रदेश में फिर से वापस पा सके। ऐसे में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली फ्री रखने की बात की, इससे पहले 500 रुपए में वो गैस सिलेंडर की योजना दे चुके हैं, तो ऐसे में मुफ्त की रेवड़ियों पे मायावती ने अपना तीखा प्रहार किया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने ये फ्री बीज की राजनीति शुरू की थी, दिल्ली में हाउस टैक्स वाटर टैक्स की बात की थी, बिजली की दरों को मुफ्त किया गया था। तो फ्री बीज की राजनीति से अगर देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचता है और चुनाव के पहले इस प्रकार की जब राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं वोटर्स जो है इन लिभावने वादों में आ जाता है और अपना वोट जो है ऐसी पार्टियों को समर्पित कर देता है जो इस प्रकार के लुभावने प्रयोजन जो है वोटर्स को देते हैं। बिल्कुल विवेक, अभी आपने जिक्र किया कि चुनावों से पहले तमाम पार्टी ऐसे प्रलोभन देती है ताकि जो वोट है वो उनके पक्ष में आए, वोटर्स उनके पक्ष में आए, लेकिन विवेक इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर ही पड़ता है। जी बिल्कुल, सरकार अपने कोष से इसकी भरपाई करती है और सरकार के पास कोष कहाँ से आता है ये हम सभी को पता है। इस प्रकार से मायावती ने बकायदा कोट करते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार और तेलंगाना की सरकार को कोट करते हुए कहा कि यहाँ की इस प्रकार की प्रलोभनकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं चुनाव को देखते हुए जो जनता के साथ सीधे तौर पर छलावा है, लेकिन जनता भी इन सबके छलावों को भली बात अब समझती भी है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में शहरों के अवैध मलिन बस्तियों का सर्वे होगा। यूपी सरकार ने सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है, वही इसके जरिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा, साथ ही जरूरतमंद को सरकार की तरफ से आवास मिलेगा। वही पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत गोमती किनारे से होगी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। LDA जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय से ये सर्वे होगा। बता दें कि मंडलायुक्त ने बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, तो वही अब पुलिस बल के साथ सर्वे करने अफसरों की टीम पहुंच चुकी है, जिसकी शुरुआत डूडा से की गई है। तो वही हजरतगंज के बटलर पैलेस के पास मलिन बस्ती में अफसर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे हैं। तो आपको बताते चले कि मलिन बस्तियों के सुधार के लिए अब एक सर्वे किया जाएगा और मलिन बस्तियों का सर्वे लखनऊ से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो अब यह बड़ा सवाल है कि क्या मलिन बस्तियों की तस्वीरें बदल जाएंगी। तो यह भी कहा जा रहा है कि मलिन बस्तियों के सर्वे के साथ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी भी पहचान की जाएगी, साथ ही योजनाओं का लाभ पाने वाले जो भी लाभार्थी पात्र होंगे उनको योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। तो मलिन बस्तियों का सर्वे किया जाएगा। तो बदलेगी तस्वीर या फिर मलिन बस्तियों के जरिए कहीं ना कहीं अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रितेश। रितेश, जिस तरीके से ये सर्वे किया जा रहा है मलिन बस्तियों का, इस सर्वे से क्या कुछ हासिल करने का प्रयास कर रही है सरकार और इस सर्वे की शुरुआत कहां से हो रही है? देखिए, मुख्यालय में आपको बताऊं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मलिन बस्तियों का जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के सरकार से हुई है और जो उनके मंडलायुक्त जो मंडलायुक्त उन्होंने ये अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि जहाँ पर भी मलिन बस्तियां है उनको चिन्हित करें, यानी राजस्व विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राजधानी में जितनी भी मलिन बस्तियां है उनको चिन्हित करें और वहाँ पर सर्वे कराए। नगर निगम की कई तरफ से तो बातें कही जा रही है, 107 मलिन बस्तियां सरकारी जमीन पर इस समय बसी हुई है, उनके ऊपर बात की जा रही है कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है मिसाल की, वो 107 जो मलिन बस्तियां हैं जो सरकारी जमीन पर है, उन जमीन पर से कैसे उन बस्तियों को हटाया जाए, और सबसे बड़ी बात
वनिन बस्ती जहाँ पर वो इस समय स्थित है वो किस डिपार्टमेंट की है। इस डिपार्टमेंट के भी अधिकारी यानी अगर वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जमीन है तो उसके अधिकारी साथ में सर्वे करेंगे और उस जगह को खाली कराएंगे। खाली कराने के बाद उस जगह पर एक अपार्टमेंट बनाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स को और अपार्टमेंट को बेच करके जो उससे धन अर्जित होगा उस धन से जो वहां पर कब्जेदार होगा जो कब्जा किया होगा उस जगह का उस जगह पर जो कब्जा किया होगा उसको वहां पर रहने के लिए व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है रितेश, यानी माना जाए कि कहीं ना कहीं मलिन बस्तियों की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से सुधर जाएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है रितेश जब सर्वे होगा तो उसमें रोहिंग्या से आए हुए लोग भी मिलेंगे, बांग्लादेश से आए हुए लोग भी मिलेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी या उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए जाहिर सी बात है कि ये सर्वे कराने का मकसद अगर इसको दो रूपों में देखा जाए तो पहला तो जिस तरीके से लखनऊ को साफ और स्वच्छ बनाने की बात कही जा रही थी, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही थी, वह कहीं ना कहीं मुंबई का धारावी बैंक बनकर रह गया। जैसे मुंबई में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जिस तरीके से बस्तियां बनी हुई है उस तरह से लखनऊ की तस्वीर भी बदलती नजर आ रही थी। लखनऊ के पौष इलाकों से अगर बात तो हजरतगंज इलाके में और गोमती के किनारे और रिंग रोड विकास नगर के आसपास में ऐसी बस्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पर हजारों की संख्या में दुग्धी झोपड़ी बनी हुई है और वहां पर बकायदा एसी टीवी फ्रिज कूलर लगे हुए हैं। तो वो कहां से आए हैं इसका चिन्हीकरण भी हो जाएगा इस सर्वे के दौरान, क्योंकि प्रशासन भी साथ में रहेगा और सर्वे के दौरान किस कौन सी स्टेट से आया है, कौन किस प्रदेश से आया है, किसके पास से आइडेंटिफाई है, वो बांग्लादेश से है या रोहिंग्या है, क्या है, वो सारी जानकारी जब इकट्ठा हो जाएगी प्रशासन भी इस पर कार्रवाई कर पाएगा और प्रदेश भी और शहर भी सुरक्षित हो सकेगा। ठीक है रितेश, अभी आपने जिक्र किया कि ये पहचान हो जाएगी कौन बांग्लादेश से आया है, कौन रोहिंग्या से आया है, लेकिन एक अहम सवाल अब ये भी है कि अगर ये बस्तियां जिस तरीके से यहाँ पे सर्वे हो रहा है मलिन बस्तियों का, और जाहिर सी बात है कि अगर ये सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है तो यहाँ पर बिजली की सप्लाई भी अभी आपने जिक्र किया कि होती थी, एसी लगी हुई थी लोगों के घर में, फ्रिज लगे हुए थे लोगों के घर में, तो इस सर्वे के जरिए क्या ये भी हो सकता है कि अधिकारियों पर गाज गिर जाए, का विभाग के अधिकारी इसकी रडार पर आ जाएं? बिल्कुल नुकसान, अगर अधिकारी इसका रडार पर नहीं आते तो आना चाहिए, जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं या विभाग के जो हैं उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के आलम में जिस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है और शहरवासी और प्रदेशवासी परेशान हो रहे हैं बिजली से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लोग पड़ने का अगर देखा जाए बात की जाए 107 मलिन बस्तियां नगर निगम कह रहा है कि 107 मलिन बस्तियां उनके दस्तावेजों में है, लखनऊ में राजधानी में उनकी बस्तियों में जाके चेक करें तो क्या वो मिट्टी तेल से दीपक तो जला नहीं रहे, डीजल से दीपक तो जला नहीं रहे, लास्ट सिलेंडर का प्रयोग कर वहाँ पर बकायदा लाइट की सुविधा है और कनेक्शन अगर एक है तो एक घर के कनेक्शन से 10 घरों में 10 झोपड़ियों में लाइटें चल रही है और अगर सर्वे किया जाए तो एसी तक आपको देखने को मिल जाएगी। लखनऊ की बात है, लखनऊ की मलिन बस्तियों की बात है, जितना वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं आखिर बिजली विभाग वहाँ पर कैसे पहुँच रहा है, कैसे वो लाइटें पहुँच रही है आखिर जानकारी हो, इसके तय में वो मलिन बस्तियां बनाई गई है वहाँ पर भी बकायदा एक सिंडिकेट मामला उजागर हो सकता है। अगर उसकी सहनता से जाँच की जाए तो जो मलिन बस्तियां है उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीडर होगा और उस लीडर के अंतर्गत ये मलिन बस्तियां बकाई जाती है, चाहे वह राजधानी के किसी भी सड़कों पर हो कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।